हेलो एवरीवन, 8 कस्तूरबा आवासीय विद्यालय शिक्षक भर्ती का एक नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। सैलरी यहां पर 22,000 आप लोगों को मिलने वाली है। सभी राज्य के कैंडिडेट यहां पर एप्लीकेशन फॉर्म डाल सकते हैं। यहां पर कोई परीक्षा नहीं होगी, कोई इंटरव्यू नहीं रहेगा। यहां पर बिना परीक्षा के जो है आप लोग शिक्षक बन सकते हैं। बाकी डिटेल में जो है जानकारी जो कि नोटिफिकेशन में है वहां हम चेक करने वाले हैं। तो इससे पहले भी जो है मैं कई वीडियो जो है बना चुकी हूँ कस्तूरबा विद्यालय के, तो आप देख सकते हैं। पहले राजस्थान में जब वैकेंसी आई थी तो उसके मैंने हर जिले के जो है नोटिफिकेशन आप लोगों को बताया था। उसके बाद जो है आंध्र प्रदेश में कई वैकेंसी आई, झारखंड, छत्तीसगढ़ में, यूपी में लगातार जो है वो वैकेंसी आई। तो आप देख सकते हैं बहुत सारे जिलों से जो है वो वैकेंसी आई। और अभी जो है इन सब की जो है वो काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का जो है वो बिल्कुल टाइम चल रहा है। तो जो भी वीडियो देख कर आप लोगों ने फॉर्म फिल किए थे तो वहां लिंक मैंने बिल्कुल सभी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर किया था। तो आप लोग उस लिंक को ओपन करके आप देख लें, अगर आपने फॉर्म फिल किया है, आपने जिस भी जिले के लिए फॉर्म फिल किया है तो उसी जिले की जो साइट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, तो उसे आप लोग ओपन करके जो है वो देख लेंगे। क्योंकि काउंसलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो बिल्कुल चल रहे हैं, अलग अलग डेट में अलग अलग जिलों में जो है वो हो रहे हैं। ठीक है, बाकी आज जो वैकेंसी आई है ये आई है 8 कस्तूरबा विद्यालय कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एटा से। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को लास्ट डेट इसकी बता देती हूँ। इसकी लास्ट डेट जो है वो 31 अक्टूबर है, 31 अक्टूबर 2023 शाम के 5 बजे तक। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी सकीट रोड एटा, ये एड्रेस है। स्पीड पोस्ट या रजिस्टर पोस्ट जो है वो आप लोगों को करना होगा। फीस जो है आप लोगों की यहाँ नहीं लगेगी, मात्र 30 रुपए की जो है वो डाक टिकट आप लोगों को लगाकर भेजनी है। ठीक है, तो जितने भी कैंडिडेट हैं ऑल इंडिया कैंडिडेट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। 25 से 45 वर्ष तक जो वो उम्र रखी गई है। तो चलिए फटाफट से सब्जेक्ट आप देख लें। पूर्णकालिक शिक्षिका, गणित, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक विषय और अंग्रेजी विषय की यहां पर वैकेंसी है। ठीक है, अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप समझिए आगे कि यहाँ पर जो वेतन है वो 22,000 आप लोगों को पर मंथ दिया जाएगा। ये आवासीय विद्यालय होते हैं तो आप लोगों को वहीं पर रहना भी होगा, यानी आप लोगों के वेतन के साथ में रहना, खाना, ये सारी चीजें जो है वहां सुविधाएं होती हैं। और खाने की व्यवस्था कैसी है तो ये आप जब वहां पर जाएंगे, आप लोगों की जब काउंसलिंग होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होंगे, तब वहां आप लोगों को जो है खाने की जो जानकारी है वो मिल सकेगी कि खाना जो है वो किस तरीके का जो है वहां प्रोवाइड हो रहा है। क्योंकि हर वर्ष जो है वो अलग अलग तरीके का जो है ये चीज जो है वो दिखाई देती है। ठीक है, क्योंकि कई बार जो है हम न्यूज़पेपर में भी ये चीज देखते हैं कि जो है उस कस्तूरबा विद्यालय में जो है वो खाना जो है वो बहुत अच्छा था या उसमें जो है वो अच्छा नहीं मिला। ठीक है, तो खाने के लिए जो है वो आप खुद जो है वो अरेंज करें तो ज्यादा बेटर रहता है। यहाँ पर जो वैकेंसी है 22,000 सैलरी जो है वो आप लोगों को दी जाएगी पर मंथ। पूर्णकालिक शिक्षिका ही जो है यहाँ पर केवल महिला ही जो है आवेदन कर सकती हैं, पुरुष यहाँ आवेदन नहीं कर सकते। क्योंकि ये जो है कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय है, 12th तक यहाँ केवल गर्ल्स ही जो है वो स्टडी करती हैं। नेक्स्ट जो है यहाँ पर योग्यता क्या होनी चाहिए, तो आप लोगों के पास जो है जो भी सब्जेक्ट हैं, गणित, विज्ञान, हिंदी, संस्कृत, सामाजिक, अंग्रेजी, इसमें जो है आप लोगों ने स्नातक की हो, साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए और आप लोगों के पास टैट होना चाहिए। टैट जो है या तो आपके पास सी टैट हो सकता है या फिर आपके राज्य का स्टेट टैट हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर टीईटी लिखा है, उच्च प्राथमिक स्तर का टैट लेवल 2 यहां पर मांगा गया है। नेक्स्ट जो वैकेंसी है जो कि अंशकालिक शिक्षिका यानी कि हाफ टाइम टीचर्स की है, कंप्यूटर में, कला, क्राफ्ट, संगीत, गृह शिल्प और लेखाकार में। तो यहां पर अंग्रेजी में जो है मांगा गया है स्नातक, उच्च प्राथमिक स्तर का टैट यानी बीएड भी जो है यहां पर मांगा गया है। कंप्यूटर के लिए जो है आपके लोगों के पास जो है वो डिप्लोमा होना चाहिए जो यहां पर दिया गया है। और हाफ टाइम टीचर्स की जो सैलरी है वो यहां पर है 9800। ठीक है, और उसके बाद जो है कला, क्राफ्ट, संगीत और गृह शिल्प में भी जो है स्नातक उपाधि सहित प्रशिक्षण उपाधि मांगी गई है, 9800 सैलरी मिलेगी। लेखाकार के लिए जो है ग्रेजुएशन कॉमर्स में मांगी गई है, साथ में कंप्यूटर शिक्षा में डिप्लोमा भी होना चाहिए। मुख्य रसोईया, सहायक रसोईया, चपरासी, चौकीदार, ये सब महिलाएं ही रहेंगी। तो अगर जो 8th पास कैंडिडेट हैं और अप्लाई करने के इच्छुक हैं या आप लोगों की नॉलेज में कोई ऐसी महिला हो जिसको हेल्प की जरूरत है, जो कि कमाना भी चाहती हैं, तो बिल्कुल आप लोगों को जो है उनको भी बताना चाहिए। तो ये सैलरी जो है वो बिल्कुल अलग अलग जो है इनकी रखी गई है।
ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। पहले जो है वो 1 साल के लिए आप लोगों को संविदा पर यहाँ पर रखा जाता है, क्योंकि यहाँ पर स्टार्टिंग में परमानेंट तो निकलती ही नहीं है। पहले जो है आप लोगों को अनुबंध के आधार पर रखा जाएगा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर आपकी जो पोस्ट है उसको रिन्यू कर दिया जाएगा। तो ये वैकेंसी है, यदि आप इच्छुक हैं, आपकी क्वालिफिकेशन है और आप जॉब करना चाहते हैं कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में, तो आप लोगों को यहाँ पर फॉर्म फिल करना चाहिए। तो ऐसी ही वैकेंसी किसी भी राज्य की अगर निकलती है, किसी भी जिले की, तो बिल्कुल आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से पता चलेगी। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।